हे दोस्तों, अभी हमें बहुत ही जल्दी Redmi K40 देखने को मिल जाएगा क्योंकि रिसेंटली ये स्पॉट हुआ है रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्टिफिकेशन चाइना में। तो हमें लगता है कि जो Redmi K40 होगा ये बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस फोन में आपको क्या क्या स्पेक्स देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले इसके डिस्प्ले या फिर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो हमें लगता है कि यहाँ पर आपको 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, यानी कि Redmi K40 में आपको 5G सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है क्योंकि आपको पता होगा कि इसका जो पिछला वेरिएंट था Redmi K30 वो चाइना में आपको 5G सपोर्ट के साथ देखने को मिल रहा था, लेकिन इंडिया में यानी कि Poco X2 में आपको 4G का सपोर्ट देखने को मिल रहा था। तो ये डिफरेंस शायद आपको Redmi K40 में भी देखने को मिल सकता है, यानी कि चाइना में ये 5G के सपोर्ट के साथ देखने को मिलेगा और इंडिया में शायद ये फोन आपको 4G सपोर्ट के साथ देखने को मिल सकता है। तो अगर हम इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो हमें लगता है कि Redmi K40 चाइना में आपको एक नए प्रोसेसर के साथ देखने को मिल जाएगा, यानी कि Snapdragon 775G के साथ ये फोन आपको देखने को मिल सकता है, जो बिल्कुल ही नया प्रोसेसर है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा अगर आप इसको कंपेयर करते हैं Snapdragon 765G के साथ। और इस तरफ इंडिया की बात करें तो शायद ये फोन में आपको बिल्कुल ही नया एक प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, मे बी Snapdragon का या फिर MediaTek का कुछ भी प्रोसेसर हो सकता है। तो इसके बारे में मैं आपको आगे चल के जरूर अपडेट कर दूंगा। और इसके बाकी फीचर्स के बारे में बात करें जैसे डिस्प्ले, तो इस बार भी Redmi K40 में आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है, जिस तरह से आपको Poco X2 में देखने को मिला था, यानी कि Redmi K30 में देखने को मिल चुका था। लेकिन हमें अभी भी ऐसा लग रहा है कि इस फोन में आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसी के वजह से Redmi यहां पर प्राइस कट करने का कोशिश जरूर करेगा। तो देखते हैं कि इसके अंदर आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलता है या फिर AMOLED डिस्प्ले मिलता है। और अभी फिलहाल के लिए इस फोन के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे लीक्स निकल रहे हैं जैसे इसका डिजाइन ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी आपको इन सभी पिक्चर्स के ऊपर विश्वास करना चाहिए क्योंकि ये सभी एकदम कॉन्सेप्ट है। और एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर Redmi K40 के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि Redmi K40 Pro, क्योंकि Redmi K30 Pro या फिर 40 Pro जो प्रो मॉडल होता है उसके अंदर आपको कन्फर्म AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और उसके अंदर आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर भी मिल जाएगा, मतलब कि उस वेरिएंट में आपको प्रो फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो इसका बेस मॉडल होगा यानी कि K40 या फिर K30 जितना भी है, इन सभी में आपको बेसिक यानी कि मीडियोकर स्पेक्स देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली होता है। और इसके कैमरे फीचर्स के बारे में बात करें तो ये एकदम प्रीटी मच सिमिलर होने वाला है जो आपको हर एक फोन में मिल जाता है, जैसे 4 कैमरा आपको पीछे मिलेगा जिसमें मेन सेंसर आपको 64 मेगापिक्सल का मिलेगा, वाइड एंगल लेंस मिलेगा, टेलीफोटो लेंस मिलेगा और मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी चीजें आपको सिमिलर मिल जाएंगे, लेकिन जो मेन चीज है कि यहां पर फ्रंट कैमरा कैसा होने वाला है, यानी कि पॉपअप मिलेगा या फिर पंच होल मिलेगा, ये देखने वाली बात है। और मुझे जहां तक लगता है कि Poco X2 में यानी कि Redmi K30 में जैसे आपको पंच होल देखने को मिला था, डुअल पंच होल फ्रंट में देखने को मिल रहा था, और यहां पर भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस फोन में यानी कि Redmi K40 में भी आपको फ्रंट में पंच होल ही देखने को मिल जाएगा। और इसका जो प्रो मॉडल होगा यानी कि Redmi K40 Pro, उसके अंदर शायद फुल डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, यानी कि पॉपअप मैकेनिज्म देखने को मिल सकता है। तो ये आने वाले दिनों में हमें कंफर्म पता चल जाएगा और इसके बारे में मैं आपको अपडेट जरूर कर दूंगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि Redmi K40 के अंदर आपको क्या क्या स्पेक्स देखने को मिल सकता है, आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।